अनुजी, अनुजी क्या लग रहा है, जो सोने चांदी में जो ये रिकवरी आज दिख रही है, ये आपको टिकाऊ दिख रही है? विश्वम जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जब गोल्ड ने हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद से हमने देखा 2 दिनों में एक गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी। कहीं ना कहीं ओवरबॉट होने की वजह से हमने देखा गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी गोल्ड $1,878 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं हम देखें तो 56,000-57,000 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में भी है। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था फेडरल बैंक ने 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और थोड़ा सा लेस हॉकिश स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। हमें लगता है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को जो है सपोर्ट अगेन आता हुआ दिखाई देगा। रुपी भी यहाँ पे थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि काफी हाई लेवल है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स करीबन 56,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 56,400 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 57,200 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगेन हम एक्सपेक्टेड है कि 1,885-1,890 तक के लेवल आपको अगेन गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट वाइज अगर देखें तो गोल्ड अभी भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में खाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, उसके बावजूद देखें तो एक रिकवरी यहां पर है और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और अगेन एक अपसाइड मोमेंटम में अगेन आता हुआ दिखाई देगा।